आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ है जिसमें पैनामा के इस फैसले का तफसीली जायजा लिया गया है। ज़राए बता रहे हैं कि इस इजलास में चेयरमैन नैब ने कहा है कि अदालती हुक्म पर मिनो अन अमल दरामद करेंगे और साथ ही साथ रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी डीजी नैब इरफान मंगी को दे दी गई है। आपको याद दिला दें कि इरफान मंगी जीआईटी के रुकन भी थे और उन्हीं को रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा, कब रेफरेंस दायर करेंगे इरफान मंगी, किस किस के खिलाफ रेफरेंस दायर होगा, कौन से दफात के तहत होगा? आमिर आपको सही तौर पर सुन नहीं पा रहे, आपसे दोबारा राबता करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ है, पैनामा के इस फैसले का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया है। चेयरमैन नैब का ये कहना है कि अदालती हुक्म पर मिनो अन अमल दरामद करेंगे और रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी डीजी नैब इरफान मंगी को सौंप दी गई है। डीजी नैब इरफान मंगी जीआईटी के रुकन भी थे। अदालती हुक्म में यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो मामलात हैं मुख्तलिफ उनको नैब कोर्ट में ट्रायल किया जाए। इसी पर बात करेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, अगर आपको मेरी आवाज़ सही तौर पर आ रही है तो बताइएगा, क्या फैसले हुए हैं इस इजलास में? जी, चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, इसमें एक अहम फैसला ये हुआ है कि तमाम तर जो जिम्मेदारी रेफरेंसेस दायर करने की थी, जिसमें तीन रेफरेंसेस शरीफ खानदान के खिलाफ और एक रेफरेंस हकदार के खिलाफ दायर किया जाना है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में, वो तमाम तर जिम्मेदारी जो डीजी नैब बलोचिस्तान तैनात थे और मेंबर थे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के इरफान नईम मंगी, उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और ये कहा गया है कि तमाम तर जो रेफरेंसेज, क्योंकि इससे कबल भी तमाम तर इन्वेस्टिगेशन और जो काम किया इरफान नईम मंगी ने बतौर मेंबर जेआईटी, और वही दायर करेंगे, क्योंकि इसमें मजीद भी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी है, जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस है और ट्रायल कोर्ट में इस मुकदमे को साबित करने की जिम्मेदारी है, वो भी फिर नैब पर होगी, और लिहाजा नैब को इसमें अहम और तफ्तीशी तौर पर माहिर अफसरान की जरूरत थी। और इरफान नईम मंगी जिन्होंने इस जेआईटी में भी खिदमात सर अंजाम दी, उन्हीं के जिम्मे लगा दिया गया तमाम तर काम के, वो ही तमाम तर जो अपने मर्जी से टीम्स बनाएंगे और फिर वो रेफरेंस दायर करेंगे। शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी।